आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रयोगशाला परिचालक सामान्य भौतिक से, जिसमें आपके 4 से 5 नंबर पूछे जाने की संभावना है। आज जो हम क्लास करेंगे जिसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आप देख पा रहे होंगे, मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सर, इस नाम से आपका दिया रहेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगी। गोली दर्पण से क्लास करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो क्या क्या हम आज आपको पढ़ाएंगे ये आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। गोली दर्पण जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसी प्रकार आपको मैं डिटेल आपको समझाते चलूंगा कि उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या क्या, कैसे पूछे जाएंगे आपको बताऊंगा। और आपको फार्मूला भी पूछा जाएगा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कैसे बनते हैं, क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है ना। तो आप मान लीजिएगा कि कवर इतना कर लीजिएगा कि यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन है ना, यानी कि एमसीक्यू आपके यहाँ से एग्जाम में बनेंगे। तो ये अगर टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक बार आप अच्छे से समझ कर जाइएगा। ठीक है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन से होने वाली घटनाएं देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो पूछा जाता है वो देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो आपके एसएससी, व्यापम, पीएससी, जितने भी आपके विज्ञान का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद जो एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। या फिर आप लोग ये कहिएगा कि अगर प्रकाश का परावर्तन है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात है ना। तो चलिए जल्दी से आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा ध्यान से सुनिएगा। और प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको कंप्लीट वीडियो बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है, अगर टाइम मिलता है तो हम लाइव क्लास ले भी लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो प्रकाश का परावर्तन होता है, जो इस प्रकार का मिरर है, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण या आपतन बिंदु, आपको डिटेल समझाते चलूंगा। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, या इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो देखिए जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ जो होता है ना, ये आप देखिएगा, प्रकाश का जो चिकने पृष्ठ है, ये वाला पार्ट जो है आपका, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन के जो नियम है आपका, आपतन कोण, परावर्तन कोण जो है क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। जो आपका ए से जो बी दिया गया है, ए से जो बी दिया गया है, वो आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। देखिएगा यहाँ पर आपतन कोण, ठीक है, जो आपतन कोण है, आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है, इसका परावर्तन। ठीक है, ये जो आपका दिया गया है ये आपको क्या रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा, डिफरेंट नहीं रहेगा। जबकि अभिलंब ये आपका उत्तर की ओर गया है, ये आपका अभिलंब होगा, और जो आपतन बिंदु है ये वाला टॉपिक है ना, ये प्रकाश का परावर्तन, यानी कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल दर्पण होंगे। यानी कि ये ऐसा है, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाते चलूंगा ना, ध्यान से समझना। देखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, पहला पॉइंट आपका याद रखना है, जो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, जो आपतन कोण है आपका, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है किसके बराबर होता है, बराबर होता है परावर्तन, क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि दूसरा पॉइंट आप ये याद रखना कि यहां से आपके आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल तल पर होता है, क्या होता है, आपतित किरण। ठीक है,
ये आपका क्या हो जाएगा, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा आपका जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ये वाला देखिए, आपतन बिंदु यहां पर दिया गया, जो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ठीक है, सीधा की ओर आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो आपके परावर्तन कोण के ही समतल होगा। आपतित किरण अभी जो आप सॉरी ना आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित जो किरण है आपके आपतन बिंदु पर, ठीक है, आपतन बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु पर तीनों क्या होगा, परावर्तित अभिलंब, ये आपका अभिलंब अभिलंब परावर्तित, ठीक है, यहां तक याद रखना। अब चलिए देखते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण होता क्या है। तो देखिए जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण का उपयोग है मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना, तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण को बाद में बताऊंगा, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं गोली दर्पण से, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए तो गोली जो दर्पण होता है, गोली दर्पण होता है वो दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है और दूसरा अवतल दर्पण, ठीक है, क्या क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण, ठीक है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया है। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यहां से प्रश्न बनेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में उत्तल दर्पण, ठीक है, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है कैसा होता है तो समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, इसके बाद गोली दर्पण की फोकस दूरी देखेंगे। जो उत्तल दर्पण होता है बेटा, आप याद रखना यहाँ से जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको नोट करते चलेंगे, इसके बाद यहाँ से आपके उपयोग से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की किसी प्रतिबिंब पर दर्पण के पीछे बनता है, जो उत्तल दर्पण होता है ना, कोई भी प्रतिबिंब बेटा वहां पर उसके पीछे ही बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, मान लीजिएगा कि उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण में कोई वस्तु है आपका, तो उत्तल दर्पण में किसी वस्तु पर जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा, क्या बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है, हमेशा याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव दर्पण के पीछे बनता है, ये जो दर्पण है आपका इसके हमेशा पीछे ही बनेगा, ठीक है, और इसका जो वस्तु का फोकस दूरी होता है, मतलब उसके ध्रुव और फोकस दूरी की जो बीच होता है, वस्तु से छोटा सीधा और आभासी बनता है, पहला पॉइंट याद रखना, ये पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट अब याद रखना, हमेशा वस्तु से क्या होता है, वस्तु से हमेशा छोटा, वस्तु से हमेशा छोटा सीधा और आभासी, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, आभासी, ठीक है। वस्तु से हमेशा कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं, तो उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट याद है कि दूसरा पॉइंट है हमेशा जो वस्तु से हमेशा छोटा सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। या फिर उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा धीरज रखिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में पहले समझ लीजिएगा कि होता क्या है, अवतल दर्पण क्या होता है, कि उभरा हुआ पृष्ठ होता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे, जो अवतल दर्पण है बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, इसका उपयोग कौन कौन से करते हैं, तो इसका उपयोग आपका आ जाएगा सबसे पहले तो आप याद रखना दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, और इसका उपयोग और कौन कौन से में किया जाता है, तो दूसरा टॉपिक है आपका आंख कान नाक, है ना, ये सब चेक करने के लिए आपके जो हॉस्पिटल में सब ये उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपचार करने के लिए आंख में कान में नाक में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बताओगे आप, अगर अवतल दर्पण के बारे में पूछा जाए तो दाढ़ी बनाने में, दूसरा है आपका आंख कान नाक चेक करने में, तीसरा है आपका गाड़ी के जो हेडलाइट रहता है, तीसरा पॉइंट क्या है आपका गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है ना, गाड़ी गाड़ी का हेडलाइट,
जो गाड़ी का हेडलाइट रहता है उसमें काम आता है, जो बाइक रहता है ना सामने में टार्च जैसा रहता है वही है गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है उसमें अवतल दर्पण का, और गाड़ी के हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट के लिए हो जाएगा, सोलर कुकर के लिए। चौथा पॉइंट क्या है आपका? सोलर कुकर। क्या है आपका? सोलर कुकर, ठीक है, सोलर कुकर का उपयोग में। ठीक है, सोलर कुकर के उपयोग में। अब चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको उपयोग बताऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। गोली दर्पण की जो फोकस दूरी है इसका सूत्र क्या होगा? गोली दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1 बाई म्यू प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई ए। ठीक है, गोली दर्पण जो होता है ना उनकी फोकस दूरी का जो सूत्र है 1 बाई म्यू प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई ए। अगर यही पूछ दिया जाए लेंस की फोकस दूरी, तब क्या बताएंगे? लेंस का अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी अगर लेंस की फोकस दूरी पूछ दिया जाए तो आप वो बताएंगे 1 बाई म्यू माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई ए। ये आपका हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा तो आप बताएंगे 1 बाई म्यू माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई ए। अगर गोली दर्पण की फोकस दूरी अगर पूछ लिया जाए तो इसका सूत्र होगा 1 बाई म्यू प्लस, ये आपका धनात्मक में रहेगा गोली दर्पण की फोकस दूरी, और लेंस की जो फोकस दूरी रहेगा आपका ऋणात्मक में रहेगा। अब चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा याद रखना, जिस गोली दर्पण का परावर्तक उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। भी कहा उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए ध्यान से समझिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना, नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण देखेंगे। तो चलिए, उत्तल दर्पण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हेडलाइट के लिए किया जाता है, जो टार्च रहता है उत्तल दर्पण का उपयोग। हाँ जी, एक मिनट ना, थोड़ा सा हेलो हेलो, चलिए टाइम यहाँ पर मैसेज ना करें। ठीक है, एक मिनट, किसका मैसेज आ रहा है? उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है, एक बार ध्यान से समझिए, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है आपका ट्रक चालक या फिर मोटर चालक के पृष्ठ पर जो दर्पण लगा होता है। ठीक है, जो ट्रक चालक, तो क्या लिखोगे? ट्रक चालक या मोटर चालक, ट्रक चालक या फिर मोटर चालक के जो बगल में दर्पण लगा होता है, बगल में, ठीक है, क्या होता है? बगल में मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, जो पीछे की ओर देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि देखिए, जो मतलब बहुत दूर से दिखाई देता है, मतलब कहने का मतलब आता है उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है, जो बड़ा होता है, जो इमेज बड़ा होता है वो आपको छोटे रूप में दिखाई देता है। वास्तविक और सीधा आभासी प्रतिबिंब होता है वही आपका उत्तल दर्पण।
ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है? देखिएगा मेरी बात, अगर ये आप समझ जाते हैं ना, तो उसको घुमाकर भी पूछा जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आपका, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक में क्या, कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, जो आपके पीछे की ओर जो जो गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है, ये सब आपको देखने के लिए, जैसे दूर में रहेगा तो उसको कैसा दिखाई देगा, छोटा सा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। जो दर्पण रहता है ना, मिरर इमेज, वो आपको दूर से जो बड़ा दिखाई देता है, वो आपको दर्पण में छोटा दिखाई देगा। ठीक है। अवतल दर्पण उपयोग कैसे किया जाता है? तो अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है, बड़ी फोकस दूरी वाला होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले आप याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे, दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, हॉस्पिटल में है ना, उपचार के लिए किया जाता है, आँख का नाक ये देखने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है गाड़ी की हेडलाइट, आपको बताया था, दूसरा पॉइंट है गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट। ठीक है। बाकी आपको मैंने बता दिया, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, इसके दो प्रकार होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कौन कौन सा होता है? आपतित किरण, देखिए है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होगा, एक ही तल में होंगे। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसको क्या, कौन से नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कोई दो माध्यम, ठीक है, कोई दो माध्यम है, जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नीतांक होता है। कोई दो माध्यम है जिसमें आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या होता है, वो आपका नीतांक होता है, साइन बाई साइन आर। इसको क्या कहा जाता है, नीतांक कहा जाता है, इसको म्यू से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन से होने वाली घटनाएं। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली घटनाएं कौन कौन से हैं, तो नोट करते चलेंगे, यहाँ पर एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से बनेंगे। पहला, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें कौन सी घटनाएं होती है, एग्जाम में पूछा जाएगा। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना। ठीक है, नोट करते चलेंगे, रात्रि, ठीक है, रात्रि के एक मिनट ना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना कौन सी अपवर्तन घटनाएं हैं? प्रकाश का अपवर्तन। उसी तरह पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ जिसका ऊपर सिक्का जो ऊपर की ओर दिखाई देता है, यानी कि देखिए कोई मटका है, गिलास में अगर आप सिक्का डाल दोगे तो सिक्का कैसा दिखाई देगा, उछली दिखाई देगा ना आपको, वही प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जैसे जल के अंदर पड़ी हुई मछली, या जल के अंदर जो पत्थर रहता है, या फिर जल के अंदर जो सिक्का डाल दोगे तो कैसा दिखाई देगा आपको, तो ये आपको उछली हुई दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगा, उछली हुई दिखाई देगी। ठीक है। या फिर द्रव में अंशतः डूबी हुई जो क्षण होती है, वो आपको टेढ़ी दिखाई देती है, ये किसके कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। सूर्य के कुछ समय पहले, यानी कि सूर्य जैसे सुबह के टाइम डूबता है और शाम के टाइम डूबता है, तो कैसी दिखाई देती है आपको, लाल दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी कि सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय तक, ये जो दिशा होती है, जो क्षितिज होती है, वो आपका होता है नीचे की ओर होने वाली रहती है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो आप नोट करते चलेंगे, दूसरा पॉइंट आपको कौन सा है, तो दूसरा पॉइंट है आपका सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के पहले, ठीक है, सूर्यास्त के पहले और
सूर्यास्त के बाद क्षितिज, ठीक है यहां तक क्लियर हुआ। तीसरा टॉपिक आप यहां से नोट करेंगे, सामान्यता द्रव में, ठीक है, द्रव में सामान्यतः डूबी हुई क्षण, डूबी हुई क्षण, ठीक है, डूबी हुई क्षण हमेशा तिरछी दिखाई देती है, तिरछी या फिर टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक है, जो डूबी हुई क्षण होता है हमेशा तिरछा या फिर टेढ़ी दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट आपका याद रखना, तीसरा पॉइंट है आपका कि पानी से भरा हुआ बर्तन में, ठीक है, चौथा पॉइंट यहां पर आ जाएगा। अब पानी से भरा हुआ बर्तन, पानी से भरा हुआ बर्तन, भरा हुआ बर्तन, ठीक है, पानी से भरा हुआ बर्तन की तली पर, बर्तन की तली पर, ठीक है, बर्तन की तली पर पड़ा हुआ जो सिक्का होता है ना, पड़ा हुआ पड़ा सिक्का, ऊपर की तरफ, उछली दिखाई देती है, या फिर आप कह सकते हैं तालाब में मछली जो है ऊपर की तरफ दिखाई देती है ना, मतलब एक मिनट ना, थोड़ा सा वेट करो। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, पानी में जो भरा हुआ बर्तन है उस तली पर आप सिक्का डाल दोगे तो सिक्का कैसा दिखाई देगा आपको, ऊपर की तरफ दिखाई देगा, उछली दिखाई देगा, या फिर आप पत्थर डाल दोगे वो आपको बड़ा सा दिखाई देगा, उछली दिखाई देगा, या फिर तालाब में आप जो मछली रहती है कैसे दिखाई देती है, उछली दिखाई देती है ना ऊपर में, लेकिन साइज कैसा रहता है, छोटा रहता है, लेकिन जो ऊपर की तरफ चलती है ना मछली तो कैसे दिखाई देती है, बड़ा दिखाई देता है। ये किसके कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। चलिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से यहां पर आप नोट करते चलेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जिसमें आपका पूछा गया है कि हीरा का अत्यधिक चमकना, हीरा का अत्यधिक चमकना हीरा का अत्यधिक चमकना, या फिर दूसरा है कांच के टुकड़े का, कांच के टुकड़े का अत्यधिक चमकना, ठीक है, या तीसरा पॉइंट है यहां पर कांच में जो बारकोड लगा रहता है, तीसरा क्या लगा रहता है, कांच में बारकोड, या फिर कुछ चिपका रहता है, कुछ चिपका रहता है, क्या रहता है, चिपका रहता है, कुछ चिपका रहता है, वह चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चौथा पॉइंट है पानी का बुलबुला, पानी में हवा के बुलबुले, ठीक है, क्या होगा, चौथा है आपका पानी में
हवा का बुलबुला। ठीक है, पांचवा पॉइंट याद रखना, पांचवा पॉइंट है आपका रेगिस्तान का मरीचिका। रेगिस्तान का मरीचिका, ठीक है, जो जो आपको मैं बताते चल रहा हूं उसको अच्छे से नोट कर दे, चलेंगे। छठवा है प्रकाश तंतु, छठवा कौन सा हो जाएगा? प्रकाश तंतु। ठीक है, इतना से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। एक बार फिर से पढ़िएगा, प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, हीरा का चमकना, कांच के टुकड़ों का अत्यधिक चमकना, कांच में बार कोड या फिर कुछ चिपका हुआ रहता है वो चमकीला दिखाई देता है, या पानी में हवा का जो बुलबुला रहता है, पानी में जो हवा का बुलबुला दिखाई देता है, या फिर जो फुग्गा वाला आता है ना, जो केमिकल रहता है उसमें बुड़ो कर बच्चे लोग ऐसे फूल होते हैं, वो है आपका रेगिस्तान का मरीचिका, प्रकाश तंतु। ये सभी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, इसके बाद और है आपका प्रकाश का तरंग धैर्य, और आप चलिए यहाँ पर नोट करते चलेंगे। यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है, प्रकाश के तरंग धैर्य में कौन सा रंग सबसे अधिक या लाल होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, जो एक मिनट पहले आप तो ये पढ़ लीजिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन से एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। पहला तो आप याद रखना, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का जो प्रकाश में नीला रंग क्यों दिखाई देता है, ऐसा क्यों आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है? तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है, जब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो काफी रंगों का मिश्रण होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है काफी रंगों का मिश्रण होता है, जो वायुमंडल से होकर गुजरता है, जिसमें आपका वायुमंडल में उपस्थित कण, धूल, धुएं से वो क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, खुद ब खुद क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, जिसमें दिन के समय सूर्य हमें आकाश में मनुष्य के सिर पर, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है हमारा, जो मनुष्य के सिर पर यानी कि हमारे सिर के ऊपर जो ऊपर दिखाई देता है आपका, जो सूर्य सफेद रंग का दिखाई देता है, सूर्य को आप देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। आपको कैसा दिखाई देगा? चमकीला दिखाई देगा, चमकता हुआ। आपको चेहरा जैसे आप देखोगे सूर्य को दोपहर के समय, तो आपको सूर्य दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, है ना? तो सूर्य आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य का ऐसा होता है, लाल रंग का एक गोला होता है, उसको आपका जो प्रकीर्णन होता है कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, इसी कारण जो आकाश होता है हम वो आपका नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो एक बार फिर से समझिएगा, जब सूर्य का प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है, जब सूर्य का जो प्रकाश होता है कई रंगों का मिश्रण होता है, जो वायुमंडल से होकर गुजरता है, और वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित जो अणु है, जो धूल है, जो कण है धुएं से,
मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है, उसी कारण वो प्रकीर्णित हो जाता है। और दिन के समय जब सूर्य सीधा आकाश के ऊपर दिखाई देता है, मनुष्य के जो सिर यानी कि हमारे शरीर सिर से ऊपर जो आसमान में जो प्रकीर्णित दिखाई देता है वो लाल रंग का जो होता है सबसे कम होता है, जबकि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का अधिक होता है, इसलिए आकाश का जो रंग होता है नीला में दिखाई देता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश के सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का जो होता है, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का विक्षेपण, अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? जबकि लाल रंग का विक्षेपण इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। क्लियर हुआ? आपका समुद्र के पानी क्या होता है? नीला दिखाई देता है। समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। तीसरा टॉपिक आपका कौन सा हो जाएगा? जब सूर्य उगते समय और प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। ये समझ में आया? सूर्य का उगना तथा सूर्य का डूबना आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो वहां आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। अगर आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है तो आप बताना। आकाश का रंग काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चांद पर वायुमंडल यानी कि वायुमंडल वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां से आपका जो आकाश है काला दिखाई देगा। जहां हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वायुमंडल के ऊपर में जो नहीं रहेगी हमारी वायु, है ना, वायुमंडल में जो नहीं रहेगा, जैसे चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के ऊपर हम वहां से देखेंगे तो आकाश कैसा दिखाई देगा? आपको काला दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। सूर्य ग्रहण कब होता है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। सूर्य ग्रहण इसको अच्छे समझ लीजिएगा, सूर्य ग्रहण है ना, सूर्य ग्रहण कैसा होता है तो ध्यान से समझना। सूर्य ग्रहण, ठीक है, जब सूर्य के बीच में, जब सूर्य के बीच में चांद आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आएगा? चांद। ये आपका पृथ्वी हो गया, ये आपका चांद हो गया, और ये आपका हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। ठीक है, तो क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चांद आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाएगा? चांद आ जाएगा, तब आपका सूर्य ग्रहण। अगर चंद्र ग्रहण कैसे होता है? चंद्र ग्रहण देखिएगा, चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण कैसे होगा? तो सूर्य, सूर्य
सूर्य, और ये आपका हो जाएगा पृथ्वी, और ये आपका हो जाएगा चांद। जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच में आ जाएगा, वहां पर चंद्रग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्रग्रहण कब होता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अमावस्या कब होगा? सूर्य ग्रहण को ही अमावस्या कहा जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण को पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जबकि सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। फिर आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक बार सबसे पहले वीडियो को क्या करोगे, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर।